हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ग्रामीणों की आय बढ़ाने से बढ़ेगी जीडीपी, केंद्रीय मंत्री चौधरी। केंद्रीय स्टील मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी बरेंद्र सिंह ने कहा कि गांव में रहने वाले लोगों की आय बढ़ाने से ही बढ़ेगी जीडीपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल डेवलपमेंट के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए हैं उससे देश का संपूर्ण विकास होगा। उन्होंने ये बात सोमवार को जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। वे यहां शहीद गणपत राम कडवासरा की मूर्ति का अनावरण करने आए थे। उन्होंने खुडियाला गांव में शहीद गणपत राम कडवासरा की मूर्ति का अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा, हमारा युवा केवल मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि मशीनों का मालिक भी बने। अपने ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जाने को लेकर चाइना भारत पर हावी हो चुका था, जिसको लेकर भाजपा सरकार ने स्थिति में सुधार करते हुए केवल चाइना ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी करीब 40% तक का निर्यात घटाया, जिससे अब भारत किसी पर निर्भर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चाइना पर कभी निर्भर नहीं रहे, चाइना ने हमसे ज्यादा प्रोडक्ट बना लिए जो हमारे इंडिया में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस वजह से हमारी कीमतें गिर गईं और हमारे कारखाने में नुकसान होना शुरू हो गया। बाद में भाजपा सरकार ने काफी कुछ स्थिति में सुधार किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से स्टील को लेकर कोई भी काम होता है तो उसको लेकर जो टेंडर बनेगा उसमें एक शर्त लिखी जाएगी, तो इसमें एक शर्त लिखी जाती है कि इसमें भारत में बना स्टील ही इस्तेमाल होगा, विदेशी स्टील को इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में स्टील की खपत 10% तक बढ़ रही है और हम आगे भी प्रयास करेंगे कि इसी तरह ये बढ़ती रहे। इससे पहले उनका जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर केंद्रीय राज्य मंत्री और पाली के सांसद पीपी चौधरी के साथ ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने अगवानी की। एयरपोर्ट से केंद्रीय मंत्री चौधरी सीधे पीपी चौधरी के निवास पर पहुंचे, जहां अल्पाहार करने के साथ कुछ देर तक केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी के साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी की। उसके बाद वे शहीद गणपत राम कडवासरा के मूर्ति का अनावरण करने खुडियाला गांव में गए। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।